इस खास पेशकश में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो T20 वर्ल्ड कप का दूसरा सेमीफाइनल भारत और इंग्लैंड के बीच होने जा रहा है। मैच गयाना के प्रोविडेंस स्टेडियम में खेला जाएगा और शाम 7:30 बजे टॉस होगा। रात 8 बजे से मैच खेला जाएगा, लेकिन इस सेमीफाइनल पर बारिश का भी साया है। हालांकि सेमीफाइनल के लिए रिजर्व डे नहीं रखा गया है, लेकिन मैच के लिए 250 मिनट यानी कि कुल 4 घंटे का एक्स्ट्रा टाइम दिया गया है, और इसीलिए अगर बारिश बीच बीच में थमती रही तो मुकाबला किसी तरह पूरा हो जाएगा। अगर बारिश की वजह से मैच में खलल पड़ा तो इसे कम से कम 5 से 10 ओवर का कराए जाने की कोशिश की जाएगी। अगर ऐसा नहीं हो पाया तो नतीजा सुपर ओवर के जरिए निकाला जाएगा। यह भी संभव नहीं हुआ तो भारतीय टीम बिना खेले ही फाइनल में पहुंच जाएगी। आईसीसी के नियम के मुताबिक जो टीम ग्रुप में टॉप पर रहती है उसे ही आगे बढ़ने का मौका मिलता है। सुपर 8 में भारत अपने ग्रुप में टॉप पर था, जबकि इंग्लैंड की टीम में दूसरे स्थान पर रहते हुए सेमीफाइनल का टिकट पक्का किया था। लेकिन आज इस सेमीफाइनल पर सबकी निगाहें टिकी हैं और फैंस इंतजार कर रहे हैं कि शानदार जीत के साथ अपने फाइनल में एंट्री को पक्का करे भारत। तो 2007 की जीत क्या फिर करेंगे रिपीट? 2022 का बदला क्या 2024 में होगा पूरा? सभी फैंस की यही इच्छा है कि आज ये मैच जीतकर भारत फाइनल में प्रवेश करे। हालांकि मैच के दौरान बारिश होने का भी अनुमान लगाया गया है, लेकिन उसके लिए भी इस फॉर्मेट में बहुत से नियम हैं जिससे विजेता का चुनाव होता है। तो मैच के लिए रिजर्व डे नहीं रखा गया है, लेकिन अलग से 250 मिनट पक्के किए गए हैं, लगभग 4 घंटे का एक्स्ट्रा टाइम कि अगर बारिश रुक रुक कर भी हुई तो भी मैच को पूरा कराया जाए, यह संभव होगा। और यदि ऐसा नहीं हुआ तो कोशिश होगी कि 8 से 10 ओवर का मैच किया जाए, सुपर ओवर के जरिए भी नतीजा निकाल जा सकता है, और अगर यह भी पॉसिबल नहीं हो पाया तो फिर भारत एक तरह से फाइनल में एंट्री का हकदार इस लिहाज से हो जाएगा क्योंकि ग्रुप ए में टॉप पर है इस वक्त भारत। रात 8 बजे से गयाना में यह मैच खेला जाएगा, इंग्लैंड और भारत का यह मुकाबला जिस पर सबकी नजर टिकी हुई है। मैच के लिए रिजर्व डे नहीं रखा गया है और अगर ये मैच नहीं हुआ तो भारत फाइनल में पहुंच जाएगा, लेकिन फैंस चाहते हैं कि भारत शानदार जीत के साथ फाइनल में अपनी एंट्री को पक्का करे। और अब बात कर लेते हैं T20 वर्ल्ड कप में भारत का अब तक का प्रदर्शन कैसा रहा है, डिटेल से आपको बताते हैं। और लीग मैच की अगर बात करें तो आयरलैंड को 8 विकेट से इंडिया ने हराया, पाकिस्तान को 6 विकेट से हराया, इसके अलावा अमेरिका की बात करें तो 7 विकेट से अमेरिका को मात दी। सुपर 8 में भारत का प्रदर्शन बेहतरीन रहा है। सुपर 8 में अफगानिस्तान को 47 रन से भारत ने हराया, बांग्लादेश को 50 रन से शिकस्त दी, ऑस्ट्रेलिया को 54 रन से पटकनी दी, और इस वर्ल्ड कप में भारतीय बल्लेबाजों ने बेहतरीन पारी खेली है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रोहित शर्मा 92 रन की पारी खेल गए, बांग्लादेश के खिलाफ हार्दिक ने 8 शतक बनाया, अफगानिस्तान के खिलाफ सूर्य कुमार यादव ने शानदार 53 रन जड़े, और अमेरिका के खिलाफ सूर्य कुमार यादव का अर्धशतक तो कोई फैन नहीं भूल पाया। पाकिस्तान के खिलाफ ऋषभ पंत का महत्वपूर्ण 42 रन साबित हुए। आयरलैंड के खिलाफ कप्तान रोहित शर्मा ने 53 रन टीम के लिए जोड़े। तो ये भारत के मैचेस और साथ ही किस प्लेयर ने कैसा अभी तक परफॉर्म किया है उसकी जानकारी हमने आपको दी, लेकिन साथ ही भारत और इंग्लैंड के बीच T20 के अब तक हुए मुकाबलों पर भी नजर डालना जरूरी है कि दोनों टीम्स जब पूर्व में खेली हैं तो क्या नतीजा आया है। अब तक दोनों टीम्स कुल 23 बार आमने सामने आ चुकी हैं, 23 मैच दोनों ने खेले हैं जिसमें भारत का पलड़ा भारी है। आंकड़ों के लिहाज से कैसे जान लीजिए, भारत ने 12 मैच में जीत दर्ज की है, 12 मैच भारत ने शानदार तरीके से जीते हैं जबकि इंग्लैंड 11 बार जीता है। हालांकि ये गैप बहुत ज्यादा नहीं है 12-11 का, लेकिन फिर भी विजेता विजेता होता है। T20 वर्ल्ड कप की बात करें तो भारत और इंग्लैंड 4 बार आमने सामने आ चुके हैं, इसमें 2 बार भारत जीता है और 2 बार इंग्लैंड की जीत हुई है। और अब इस T20 के सेमीफाइनल मुकाबले पर सबकी नजर टिकी है। तो आज होने वाले मैच के लिए टीम इंडिया के संभावित प्लेइंग 11 में कौन कौन है वो नाम भी हम आपको बता देते हैं। रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, इसके अलावा ऋषभ पंत, शिवम दुबे, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह शामिल हो सकते हैं। तो ये संभावित प्लेइंग 11 है। भारत के वो कौन से जावाज 11 खिलाड़ी होंगे जो आज मैदान पर उतरेंगे, तो ये संभावित प्लेइंग 11 आप देख लीजिए।
रोहित शर्मा की कप्तानी में हार्दिक पांड्या, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत, शिवम दुबे, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह ये संभावित प्लेइंग 11 हैं जो आज मैदान पर गेंदबाजी और बल्लेबाजी का जौहर दिखाने भारत की तरफ से उतरेंगे। तो इस टीम पर दारोमदार होगा भारत को शानदार जीत दिलाने का और लगभग सभी खिलाड़ी अपने फॉर्म में चल रहे हैं। बैट्समैन की बात करें तो पूर्व के जो लीग मैचेस हुए हैं सुपर 8 में उसमें अर्धशतक जड़ के सभी बल्लेबाजों ने अपनी परफॉर्मेंस को पीक पर रखा है। और इस वक्त चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे रिपोर्टर्स जुड़ चुके हैं। फैंस का मूड भी जानेंगे कि ये सेमीफाइनल मुकाबला जो है जिस पर सबकी निगाह टिकी हुई है, मेरठ से उमेश श्रीवास्तव हैं, लखनऊ से नितिका दीक्षित, कानपुर से अमित गंजू, आगरा से शिव कुमार, देहरादून से सतेंद्र बर्तवाल और न्यूज रूम से हमारे सहयोगी हैदर फरीदी हमारे साथ हैं, उनसे चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले फैंस का मूड जान लेते हैं। सबसे पहले हम उमेश श्रीवास्तव का रुख कर लेते हैं। मेरठ यूपी के स्पोर्ट्स सिटी के तौर पर इसकी पहचान है और वैसे तो जब इंडिया का मैच होता है तो एक क्रेजी अलग है, खास तौर पर सेमीफाइनल का मुकाबला वो भी इंग्लैंड के साथ। उमेश, क्या आकांक्षाएं फैंस की? हालांकि मैच नहीं भी होता है तो भी इंडिया फाइनल में जाएगा, पर फिर भी शानदार परफॉर्मेंस हो ये सबकी उम्मीद। जी हां, देखिए विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। आज सेमीफाइनल का अहम मुकाबला है, भारत और इंग्लैंड के बीच अहम मुकाबला होने वाला है। निश्चित तौर पर समूचा देश आज प्रार्थना कर रहा है, दुआ कर रहा है कि भारत फाइनल में पहुंचे और जिस तरह से भारतीय टीम खेल रही है वो अपने आप में बताने के लिए काफी है कि भारतीय टीम के जांबाजों में कितना दम है। यहां भारत माता के जयकारे लगातार लग रहे हैं, आप देखिए तिरंगा लेकर के लोग खड़े हुए हैं और भारत माता का जयकारा, हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा यहां पर लगता हुआ नजर आ रहा है, तिरंगा लहराते हुए नजर आ रहा है। हम क्रिकेट फैन से बात कर लेते हैं। जीतेगा भाई जीतेगा, भारत जीतेगा, इंडिया जीतेगा, तिरंगा आप लेकर के खड़े हुए हैं। आज अहम मुकाबला है, भारत और इंग्लैंड के बीच अहम मुकाबला होने वाला है, क्या प्रार्थना कर रहे हैं, क्या दुआ कर रहे हैं और क्या होने वाला है आज ग्यारह में? आज एक बहुत बड़ी महाभारत होने वाली है और हिंदुस्तान जैसे इस वर्ल्ड कप में खेलता आ रहा है आज अपना फुल प्रदर्शन करेगा और ऑस्ट्रेलिया को हम धूल चटा के भेजेंगे। इंग्लैंड से मुकाबला हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया को हम धूल चटा चुके हैं और निश्चित तौर पर आज का मुकाबला बेहद कड़ा है और बेहद इंपॉर्टेंट मुकाबला है। भारत आज अजय रूप से फाइनल में पहुंचेगा और इंग्लैंड को परास्त करेगा, बदला लेगा 2022 का। बिल्कुल बदला लेगा, चाहे कितना बड़ा मुकाबला क्यों ना हो। इंडिया जैसे इंग्लैंड को हमने देश से बिल्कुल बाहर भगा दिया था, अब अमेरिका में यहां से भागा के हम जीत के आएंगे, सबको जो है हराएंगे। अजय टीम है भारतीय टीम और जिस तरह से रोहित की सेना कमाल कर रही है, 92 रन बनाए थे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, शानदार पारी खेली थी, तो आज रोहित का शतक पड़ने वाला है। रोहित आज 150 रन मारेगा, भारत माता के जय के नारे लग रहे हैं मेरठ में। लखनऊ पर रुक कर लेते हैं, नितिका दीक्षित हमारे साथ हैं। लखनऊ में नितिका फैंस की क्या उम्मीदें हैं? वैसे तो इस मैच पे कहा जा रहा है बारिश का साया भी है, पर आप अंकों के लिहाज से, परफॉर्मेंस के लिहाज से देखें तो भारत अपनी इस चार्ट में सबसे ऊपर है, अपने ग्रुप में सबसे ऊपर है, तो फाइनल में एंट्री ऐसे भी पक्की अगर ये मैच नहीं हुआ, पर फिर भी आज का मैच बहुत अहम है क्योंकि इंग्लैंड के खिलाफ है, मौका है भारत के पास 2022-2007 का बदला लेने का। बिल्कुल आस्था, देखिए इंडिया वर्सेस इंग्लैंड T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल 8 बजे शुरू होगा। हालांकि जैसा आपने कहा कि बारिश के काफी ज्यादा चांसेस हैं, 75% चांसेस बताए जा रहे थे कि बारिश हो सकती है, लेकिन उसमें भी इंडिया को फायदा होने वाला है। हम इस वक्त लखनऊ के कॉल्विन क्रिकेट ग्राउंड में है जहां पर कई सारे क्रिकेट प्रेमी हैं, क्रिकेट खेलते हैं, प्लेयर्स मौजूद हैं हमारे साथ। आपसे शुरुआत करते हैं, आज इंडिया वर्सेज इंग्लैंड का मैच है, क्या उम्मीदें हैं और अभी तक के जो मैचेस देखते आई हैं उससे क्या लगता है कि आज के रिजल्ट्स किस तरह रहेंगे? देखिए अगर बात करी जाए T20 विश्व कप की तो ये बहुत बड़ा मंच है और ऐसा मंच है कि जहाँ पूरे विश्व की निगाहें आप पे बनी हुई हैं। तो बतौर अगर मैं भारत की बात करूँ तो मुझे लगता है कि भारत बिल्कुल निश्चित तौर पे एक विजय प्राप्त कर सकती है क्योंकि उनका जो सारे प्लेयर्स हैं हमारे पास, सबके पास बहुत सारा अनुभव है। सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा, उनके पास बहुत अच्छा फॉर्म है इस समय, और विराट कोहली हैं, उनके पास बहुत अनुभव है, और जो बाकी प्लेयर्स भी हैं वो काफ़ी अनुभवी हैं, और पूरा सेमीफाइनल है। देखिए बहुत बड़ा मैच होता है एज अ क्रिकेटर व्हेन यू आर इन द सेमीफाइनल ऑफ द T20 वर्ल्ड कप, तो काफ़ी बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है सेमीफाइनल खेलना, और एज अ क्रिकेटर काफ़ी सारा नर्वसनेस भी होती है, बट चूंकि आपके पास वो अनुभव रहता है, आप ये काफ़ी बार ये चीज़ फेस कर चुके हैं, तो
भारत टीम फेवरेट्स है वर्ल्ड कप विनिंग इस बार जी, तो काफी एक्साइटमेंट है मैच को लेकर। आपका क्या प्लान है, रात में मैच देखने जा रहे हैं अपने घर पे जब क्रिकेट देखेंगे तो किसको सपोर्ट कर रहे हैं, और अभी तक के जो मैचेस चलते आए हैं उनको देखकर क्या लग रहा है, आज का परफॉर्मेंस कैसा रहने वाला है? इंडिया को सपोर्ट करेंगे और आज भी इंडिया ही जीतेगी। रोहित शर्मा भी अच्छे फॉर्म में लग रहे हैं और हमारे बॉलर भी अच्छे लग रहे, तो इंडिया ही जीतेगी मोस्ट ऑफली। तो बिल्कुल बिल्कुल, और रोहित शर्मा से बहुत उम्मीद है, उनकी कप्तानी में टीम जो है वो उतर रही है ग्राउंड पर और उनसे बहुत उम्मीद है कि वो इंडिविजुअली भी जो है वो सेंचुरी बनाए, ऐसी कामना फैंस कर रहे हैं। अमित गंजू का रुख करते हैं, कानपुर से हमारे साथ हैं। अमित, यहाँ पर बात भारत की जीत की तो हो ही रही है लेकिन रोहित शर्मा से लोग बाग सेंचुरी मांग रहे हैं। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्रिकेट का जोश सर चढ़ बोल रहा है, कनपुरिया किसी से कम नहीं। मेरे हाथ में दिखाना चाहूंगा, देखिए एक बॉल भी है, ये बॉल वो नहीं जो वहां खेली जा रही है, और एक छोटा सा बैट मैंने भी रखा है कि देखिए इसमें साइन भी है, तमाम प्लेयर्स के, इसमें रोहित शर्मा इन सबके साइन है, इन सबके कुछ कनपुरिया क्या करें, जल्दी हे बे भोरे, आज गुरुवार है और इंग्लैंड पे हमारी जीत है और इंग्लैंड हमारी शिकार है। नारा लगा दीजिए, भारत की, भारत माता की, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे। प्लीज सर, कैसे आप देख रहे हैं, आपकी खुशी कुछ करें, किसका कैसे मैच देखना चाहेंगे? सर बिल्कुल, जैसे कि हम लोग को बहुत बेसब्री से इंतजार था कि सेमीफाइनल्स होगा और इंडिया इंग्लैंड को जरूर हराएगा, क्योंकि हम लोग का जो 2022 में T20 वर्ल्ड कप हुआ था इंग्लैंड ने इंडिया को हराया था, बट अब ये है दोबारा बदला हमको वापस लेना है और इस बार ट्रॉफी भी जीतनी है। अच्छा, 2022 का बदला लेना है और ट्रॉफी जीतनी है, जितनी शानदार जीत हमें, जितनी शानदार जीत 2007 में हुई थी और उससे आगे के रिकॉर्ड जीत जो है वो अब यहां 2024 में हो, वो भी इंग्लैंड के खिलाफ, ये बड़ी बात है और यही फैंस की इच्छा भी है। आगरा का भी रुख कर लेते हैं, शिव कुमार हमारे साथ हैं। शिव कुमार, आगरा में फैंस क्या कह रहे हैं? हमारा जो बैटिंग लाइनअप है वो काफी स्ट्रांग है और साथ ही ज्यादातर जो बैट्समैन है वो हमारे फॉर्म में चल रहे हैं, पिच के लिहाज से, भारत की संभावनाओं के लिहाज से फैंस की क्या उम्मीद है? बिल्कुल आस्था, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से अगर मोहब्बत की नगरी की बात की जाए तो ताजनगरी आगरा के जो फैंस हैं उनमें खासा उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि टीम इंडिया की सबसे बड़ी खासियत यह है कि बदला लेने के समय पर वो चूकती नहीं है बल्कि बड़ा स्कोर खड़ा करती है, और रोहित शर्मा से यहाँ पर लोगों को काफी उम्मीद है। हमारे साथ तमाम सारे फैंस हैं, उनसे बात करते हैं कि बताइए आज के मैच में किससे उम्मीद आपको सबसे ज्यादा है? सबसे पहले तो ओपनिंग जोड़ी विराट कोहली और रोहित शर्मा बहुत ही अच्छा खेलेंगे। पिछले मैच में भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रोहित शर्मा ने 92 रन की विशाल पारी खेली थी, और मध्य क्रम में शिवम दुबे और हार्दिक पांड्या अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, और भारतीय टीम के गेंदबाज जैसे कि आप बताइए कि अगर बॉलर की बात की जाए तो कौन सा बॉलर आज का बुमराह, जसप्रीत बुमराह। टीम इंडिया के लिए कितना उत्साहित है, एक बार भारत माता जय हो जाए? भारत माता की जय, भारत माता की जय, चीयर अप करिए, हिप 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 बिल्कुल। देखिए ये हमारे जो फैंस हैं, जो कह सकते हैं कि जो तमाम इंडिया के जो फैंस हैं वो यहाँ पर उत्साह है, क्योंकि उनको देखने को मिल रहा है कि हमारी जो खिलाड़ी है, चाहे बैट्समैन की बात की जाए, बॉलर की बात की जाए, सब सटीक इस समय जो अपना अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। रोहित शर्मा से लोगों को ज्यादा उम्मीद है, और वही बुमराह की जो बॉल है वह कहीं ना कहीं कमाल कर रही है, तो उसको लेकर भी लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। एक बार फिर चलेंगे, आप बताइए जसप्रीत बुमराह आज तो धमाल कर देंगे आज तो। अच्छा अच्छा, इंग्लैंड से जो पुराना मैच आ रहा है उसका आज बदला लेंगे पूरा वो। अच्छा, बदला लेंगे, और क्या आप बताइए कि मतलब रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह इनके ऊपर फैंस ने, इनके कंधों के ऊपर फैंस से पूरा दारोमदार रख दिया है। और न्यूज रूम से हमारे सहयोगी हैदर फरीदी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हैदर, भारतीय टीम की परफॉर्मेंस की बात करें तो इस वक्त चाहे वो बैटिंग के लिहाज से हो या बॉलिंग के लिहाज से हो, अपने ग्रुप में वो टॉप पर है, चार्ट में सबसे टॉप पर है। ऑस्ट्रेलिया को हरा चुकी, पाकिस्तान को हरा चुकी है। रोहित शर्मा 92 रन पर रुक गए, ऑस्ट्रेलिया की पारी जो थी वो जीत ली भारत ने, 92 रन रह गए, लेकिन अब फैंस की इच्छा है कि वो सेंचुरी भी बनाए। बुमराह अपनी फिरकी में ऐसे फंसाएं इंग्लैंडियों को कि वो पूरी टीम जो है वो ढेर हो जाए, तो आज मौसम, पिच और दोनों ही टीम्स के ऑर्डर के लिहाज से देखा जाए तो स्थिति कैसी नजर आती है? हैदर, देखिए सबसे पहले तो आस्था मैं आपको ये बता दूं कि अभी जो खबर आ रही है वो ये है कि गयाना में फिर से बारिश शुरू हो गई है सुबह, हालांकि कल रात को बारिश नहीं हुई थी लेकिन आज फिर से बारिश शुरू हो गई, और अभी मैच में 2.5-3 घंटे का वक्त रह गया है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि बारिश ना हो, क्योंकि ये बताया गया था कि पासिंग बारिश हो सकती है और ये निकल जाए बादल, बारिश ना हो, तो हो सकता है कि बारिश ना हो, और सभी फैंस को यही उम्मीद है कि बारिश ना हो, मैच हो और एक शानदार मैच हो। खासतौर से जैसा आपने कहा कि रोहित शर्मा से सबको उम्मीद है और उम्मीद होगी भी, रोहित शर्मा ने आयरलैंड के खिलाफ अर्धशतक बनाया और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जिस तरह से रोहित शर्मा ने पारी खेली अपनी 92 रन की, वो पारी ऐसी थी जिस पारी ने पूरी तरह से मैच को भारत की तरफ ला दिया था।
जिस तरह से रोहित शर्मा बल्लेबाजी में अच्छा कर रहे हैं, ऋषभ पंत अच्छा कर रहे हैं, हार्दिक पांड्या अर्धशतक लगा चुके हैं, सूर्य कुमार अर्धशतक लगा चुके हैं, इस लिहाज से भारत की बैटिंग लाइनअप ने सबने साबित कर दिया है कि वो अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं और अच्छी तरह से फॉर्म में हैं। सिर्फ एक सवाल है कि विराट कोहली अभी तक किसी भी मैच में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए, उन्होंने बस एक बार 37 रन बनाए हैं और ज़्यादा वो बड़ी पारी नहीं खेल पाए, लेकिन कहा जाता है कि विराट कोहली वो बड़ा खिलाड़ी है जो बड़े मैच में शानदार प्रदर्शन देता है। तो यही उम्मीद की जा रही है कि विराट कोहली भी अब ये दोनों जो बड़े मैच रह गए, आज सेमीफाइनल और आज जीतने के बाद जब इंडिया फाइनल खेलेगी, तो इन दोनों मैच में विराट कोहली भी अच्छा प्रदर्शन करें जिससे भारतीय टीम को लेकर क्या संभावनाएं हैं दर, क्योंकि हम एक संभावित प्लेइंग 11 तो दिखा ही रहे हैं, लेकिन सबको इसी बात को लेकर उत्सुकता है कि उनकी क्या संभावनाएं टीम में। अभी तक हमने देखा है कि रोहित शर्मा जब विनिंग टीम चल रही होती है, मैच इंडिया जीत रही होती है, तब चेंजेस नहीं करते हैं, चाहे हमने 2023 के वर्ल्ड कप में भी ये चीज़ देखी थी और वही चीज़ अभी भी देखने को मिल रही है। तो मुझे नहीं लगता कि रोहित शर्मा ज़्यादा चेंज टीम के अंदर करेंगे। हाँ, वैसे एक मौका बनता है कि शिवम दुबे की, क्योंकि अभी तक परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी नहीं रही है, तो उनकी जगह यशस्वी को टीम में लिया जाए, वो ओपन में आए और विराट कोहली तीसरे नंबर पर खेलने के लिए आए, ये इस तरह की चर्चा है, लेकिन बहुत कम चांसेस है कि रोहित शर्मा किसी तरह के चेंजेस करें। बिल्कुल बिल्कुल, और लोग ये कह रहे हैं कि 2007 की जो जीत है वो रिपीट हो, ये इस बार जीत उससे भी ज्यादा शानदार हो, और 2022 में जो भारत की हार हुई थी उसका बदला 2024 में अब लिया जाए। तो एक बार फिर से इंग्लैंड और भारत की अगर बात करें तो जितने मैचेस में आमने सामने रहे हैं तो टीम इंडिया का पलड़ा ज्यादा भारी रहा है इंग्लैंड की तुलना में, मैच भारत ने ज्यादा जीते हैं, लेकिन इंग्लैंड भी आसपास ही है हैदर जी। अभी जो इंग्लैंड से जब भी भारत के मुकाबले हुए हैं, जिस तरह के 23 मुकाबले हुए हैं, 12 भारत ने जीते हैं, 11 इंग्लैंड ने जीते हैं, या T20 वर्ल्ड कप की अगर हम बात करें तो 2 मैच इंग्लैंड ने जीते हैं और 2 मैच भारत ने जीते हैं। लेकिन जिस तरह से अभी हमने बात की, आपने सवाल किया 2022 की हार का बदला लेने का, तो आज मैं सुन रहा था इंग्लैंड के हेड कोच, उन्होंने भी ये वाली बात कही कि 2022 में जिस तरह से इंडिया की टीम खेल रही थी और उसे इंग्लैंड ने जो हराया था, अब भारतीय टीम उस तरह से नहीं खेल रही है, भारतीय टीम बड़ा खतरा बन सकती है। तो इंग्लैंड के कोच भी ये मान रहे हैं कि हम बदला लेने में सक्षम हैं और भारतीय टीम उनके लिए बड़ा खतरा बन सकती है और हम बदला ले सकते हैं। बिल्कुल, आपसे चर्चा जारी रहेगी और हम लगातार जानते रहेंगे कि आज टीम इंडिया जब मैदान पर उतरेगी तो कितनी संभावनाएं प्रबल भारत के लिए बैटिंग के लिहाज से, बॉलिंग के लिहाज से, और क्या संभावना इंग्लैंड की है। लेकिन एक बार फिर से फैंस की भी बात सुन लेते हैं। सत्येंद्र बर्तवाल के पास आपको लिए चलते हैं, हमारे सहयोगी देहरादून से हैं। सत्येंद्र, क्या कह रहे हैं उत्तराखंडवासी? बिल्कुल आस्था, क्योंकि उत्तराखंड के जो क्रिकेट फैंस हैं उनको भी आज खासा उत्साह देखने को मिला। अभी हम एक क्रिकेट अकेडमी में कि उनसे ही सीधे बात कर लेते हैं। सर, किस तरीके की आज उम्मीदें हैं, सेमीफाइनल है इंडिया? बर्तवाल जी, मेरे हिसाब से तो इंडिया ही जीतनी चाहिए और कंपटीशन बहुत तकड़ा है उनका, और इन दी एंड जो भी बेटर क्रिकेट खेलेगा वो ही जीतेगा। ऋषभ पंत भी खेल रहे हैं, वो उत्तराखंड के ही प्लेयर है, क्या उम्मीद है? जी, ऋषभ पंत ने इस वर्ल्ड कप में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की है और मैं चाहता हूँ कि वो रन बनाए और रिस्पॉन्सिबिलिटी से खेले, और जैसे कि वन डाउन के लिए मतलब सही पोजिशन लग रही है उस पर वो रन भी बना रहे, तो मैं चाहता हूँ कि वो रन बनाए। पिछली बार अगर हम बात करें, पिछली बार क्योंकि इंडिया को सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने हराया था, क्या उम्मीद इसका? उम्मीद तो काफी है इस बार, जैसे इस बार अच्छी चल रही है टीम, पर मेरे को लग रहा है जैसे ना ओपनिंग में थोड़ा चेंज करना चाहिए, जैसे विराट कोहली को लाके ऋषभ पंत को खेलना चाहिए, क्योंकि अभी इंजरी के बाद आया है वो, तो उसके बाद अच्छा मौका है अपनी टीम में जगह बनाने का भी लॉन्ग टर्म के लिए। कुछ और प्लेयर है हमारे साथ, महिला प्लेयर भी है, क्या कुछ लगता है आज आपको? मुझे लगता है कि आज इंडिया ही जीतेगी, टफ कॉम्पिटिशन है पर मुझे लगता है इंडिया जी, क्योंकि अभी तक अच्छा परफॉर्म कर रही है, बैटिंग ऑर्डर भी अच्छी है हमारी लास्ट तक, और बॉलिंग ऑर्डर भी, हम डिफेंड भी अच्छा कर रहे हैं, हम चेज भी अच्छा कर सकते हैं। मैं चाहती हूँ आज इंडिया डिफेंड करे, क्योंकि डिफेंड अच्छी टीमों के अगेंस्ट अच्छा डिफेंड कर रही है, तो मुझे लगता है आज इंडिया जीतेगी डिफेंड है। और ये फैंस की उम्मीद है कि अगर टॉस जीते तो भारत को पहले क्या फैसला लेना चाहिए। एक बार फिर से कानपुर आपको लिए चलते हैं, अमित गंजू हमारे साथ हैं। अमित, लोग अब इस बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि देखिए, एक तरफ तो बारिश पर मैच का साया है, पिच के लिहाज से देखें, मौसम के लिहाज से देखें, टॉस होता है और अगर भारत टॉस जीते तो उसे पहले क्या करना चाहिए, उसके फेवर में पहले क्या रहेगा? चलिए, सवाल आपका हम ले सकते हैं सर, इधर आइए सर। अगर भारत टॉस जीता तो क्या करना चाहिए, देखिए लगातार हम कई बार मैच में देखते हैं कि आपकी ओपिनियन एक रहती है, आप खुद इसमें एक्सपर्ट हैं। सर बिल्कुल, जैसे अगर भारत टॉस जीता है तो पहले बल्लेबाजी करनी चाहिए, जिसके हिसाब से वो अगर अदर टीम को स्कोर दे देंगे तो चेस करने में थोड़ा सा, वहाँ की जो पिच है बहुत बॉलिंग पिच है, वहाँ पे स्कोर बनाना थोड़ा सा हार्ड होता है,
इस वजह से बैटिंग, और बाकी नजरें हमारी रोहित शर्मा पे हैं। लास्ट मैच में उन्होंने 93 बनाए थे तो बहुत अच्छा उन्होंने खेला था, तो इस बार भी उनसे उम्मीद है कि 90 की प्लस ही बनाएंगे वो। अच्छा, जिस तरह कई बारिश की कुछ बात समझ आ रही है, कुछ क्लाउड्स की बात की जाए, रेन्स की बात की जाए, 72 या 73% की एक्सपेक्टेशन है, क्या उसके नजर कैसे देखना चाहिए सर? बारिश की नज़र से तो ये है कि अगर बारिश होती है तो थोड़ा सा मैच कहीं फंस सकता है, बट अगर बारिश नहीं होती है तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे बॉलिंग पिच है, अगर जितनी अच्छी अपने बुमराह हैं बॉलर हैं, अपने बॉलिंग स्टैंड बहुत अच्छी है, तो वो शायद कवर कर सकते हैं, इंग्लैंड को डिफीट कर सकते हैं। ये चीज़ है सर, आप इधर आइए सर। कैसे, जैसे अगर हम क्रिकेट मैच की, पहला मैच देखा गया था सी टीम के साथ में जिससे इंडिया हार गई थी, तो उस हिसाब से अगर टॉस जीतते हैं तो बेटर ये होगा कि फर्स्ट बैटिंग करके अच्छा परफॉर्म करके सेकेंड पारी उनको खेलने के लिए दी जाए, तो उनके लिए थोड़ा सा चीयर्स करना हो सकता है मुश्किल। अच्छा, जैसे एक्सपेक्टेशंस की बात की जाए तो कैसे क्या देख रहे हैं सर? अब इंडिया के हैं और इंडिया की तरफ की बात करेंगे, हमेशा ही आखिरी की एक बॉल पे भी अगर 6 रन चाहिए होंगे तो हम यही यकीन मानेंगे कि छक्का पड़ेगा। पर सर इंडिया के लिए चीयर बिल्कुल, देखिए हाथों में झंडे, देखिए आस्था जी हाथों में झंडे, मैंने बैट पकड़ा है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाथों में झंडे और चेहरे खुशी। सर आपने आज केक फिर मंगवाया, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल मंगाया और मैं केक काटूंगा भी जरूर, मुझे पूरा यकीन है कि आज इंडिया जीतेगा जीतेगा जीतेगा। सर लास्ट टाइम आपने यहाँ पार्टी करवाई थी, लास्ट टाइम एक बार भी पार्टी करेंगे सर, और हम लोग साथ में करेंगे और इंडिया साथ ही साथ फाइनल भी जीतेगी आज के सेमीफाइनल के साथ, फाइनल की जीत के प्रति। ठीक है, तो यहाँ फैंस मान रहे हैं कि बात सेमीफाइनल की नहीं है, इंडिया तो फाइनल भी जीतेगी, ये कप जो है वो भारत आएगा। मेरठ लिए चलते हैं उमेश श्रीवास्तव के पास। उमेश, फैंस का आकलन है, कुछ लोग मान रहे हैं कि पहले बैटिंग फायदेमंद रहेगी, कुछ लोग कह रहे हैं डिफेंस अच्छा कर रही है इंडियन टीम तो पहले बॉलिंग करे तो ज्यादा फायदा हो सकता है, वहां फैंस किस तरह के एक्सपर्ट्स बने हुए हैं? जी हां, देखिए चाहे इंडिया पहले बॉलिंग करती है या फिर पहले बैटिंग करती है, दोनों ही क्षेत्रों में भारतीय टीम शानदार परफॉर्मेंस दे रही है। बैटिंग की बात करें तो रोहित शर्मा शानदार फॉर्म में हैं, सूर्य कुमार यादव जैसे बल्लेबाज हमारे पास हैं, अगर आज जायसवाल खेलते हैं तो उनकी बल्लेबाजी भी कमाल की है, और अगर बॉलिंग की बात कर ले तो कुलदीप यादव जैसा गेंदबाज हमारे पास है, और कुलदीप यादव की फिरकी यहां पर चलने वाली है, बताया जा रहा है कि ये पिच स्पिनर्स को भी फेवर कर सकती है, तो निश्चित तौर पर कुलदीप यादव की भूमिका एक महत्वपूर्ण भूमिका होगी। हम सीधा फैन से रूबरू होते हैं और जानते हैं कि उनका क्या कहना है। आप क्या आकलन करते हैं, अगर भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करती है तो कितना स्कोर खड़ा करेगी, और अगर बॉलिंग करती है तो लगातार धड़ाधड़ विकेट गिरेंगे? अगर बल्लेबाजी करती है तो 240 के करीब स्कोर पहुंचाएगी, और बॉलिंग करती है चलिए तो 240 तक स्कोर पहुंच सकता है अगर पहले बैटिंग करती है टीम इंडिया। बहरहाल आज का दिन यानी क्रिकेट मैच का दिन एक ऐसा दिन भी होता है जब हर फैन कमेंटेटर की भी भूमिका में आता है और एक्सपर्ट और विश्लेषक की भूमिका में भी आ जाता है।